श्याम जी, आज दीदी और बुआ और बच्चे शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो आज इतनी गर्मी में वो थक गए हैं। तो आज दीदी कह रही थी कि मेरी मालिश कर दे, मैं बहुत मतलब गर्मी में बहुत सारा वो सिर में दर्द हो चुका है, स्ट्रेस सी हो रही है और थकावट फील हो रही है। तो मैंने आज दीदी की मालिश करी और आगे देखिए हमने मालिश करते टाइम कितनी मस्ती की। आप दीदी मालिश कर रहे हैं सर की, और वो कैसा लग रहा दीदी? मज़ा आ रहा है। आपको भी करवाने का दीदी को नींद आ रही है उसमें, अगर आपको भी मालिश करवानी है तो दीदी को आज थकान हो गई थी, तो दीदी हमें अच्छा अच्छा खाने को खिलाते हैं, तो हमने भी आज सोचा कि दीदी कल मैं तेरे को मसाला पाव भाजी खिलाऊंगी। मसाला पाव भाजी, मसाला बंद है मेरा, अभी मेहमान दीदी की सेवा करनी चाहिए। दीदी की सेवा करने से अच्छा अच्छी बहू मिलेगी। बहू नहीं चाहिए, बहू नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं छोकरी। नौकरी अच्छी होगी तो छोकरी भी अच्छी मिलेगी। तब जब तो आप नौकरी की बोला ना, छोकरी अच्छी मिलेगी तो थोड़ी नौकरी मिलेगी। छोकरी अच्छी मिलेगी तो नौकरी क्या पता बोला ऐसा। आपने तो दुनिया का रूल्स ही बदल दिए। नहीं ऐसे होता है आजकल नहीं दीदी, हम पुराने लोग हैं, हम पुरानी। अरे मालिश करवाने वाले इधर देखो, चंपी करवाओ, चंपी 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 करा रहे हैं भाई, चंपी चंपी। आ हा हा कृपया हमारी इस तरह की वीडियो ना बनाए, हमारा मुंह अच्छा नहीं आ रहा। अभी दीदी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा नशे में है, क्योंकि दीदी को नींद आ चुकी है और ये ऐसे बहाने से थप्पड़ भी मार सकता है। आप बहाने से ऐसे देखो थप्पड़ भी मार सकते हैं। दीदी बड़ी है, कोई बात नहीं, जान भी है। ये देखो ये बच्चे हैं, ये टीवी देख रहे हैं, दोनों टीवी देख रहे हैं। हमने इनका टीवी इसलिए चलाया ताकि हम लोगों को परेशान ना करे। ये है दीशु और ये स्कूटी में सोती हुई आई है। अभी हम लोग बाहर गए थे, आज बताओ कहाँ गए थे? पता नहीं, दीशु को नहीं पता, मैं बताता हूँ कहाँ गए थे। आज हम गए थे शॉपिंग, द्वारका सेक्टर 14 नया मॉल है, वेगस मॉल, उसमें हमने शॉपिंग की। तो ये वहाँ पे थक गए, इन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की। फिर इनको थोड़ा सा मॉल में पसंद नहीं आया तो दूसरे मॉल में भी ये ट्राई करने गए, तो वो भी बहुत दूर है, तो इनका धूप में और गर्मी में बुरा हाल हो गया। तो इसीलिए दीदी को दिया। दीदी की कर रहा है, बुआ की नहीं कर रहा? बुआ की भी कर दूँगा, सिंपल अच्छी बड़ी बात है। बुआ ने कही नहीं, दीदी बोली शॉपिंग तो बुआ ने की, बुआ ने शॉपिंग कराई है। तो बुआ आपने शॉपिंग कराई है तो मालिश करनी है दीदी, बताओ और क्या पैसे जेब खर्च। वो जेब खाली हो गई तो मेरा तो ज्यादा होनी चाहिए। देखो डिचू 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 क्या होता है, आए बाल कैसे कर दिए। वो बस थोड़ा लगाते हैं इसको। अरे तो डाले कहाँ है मामा हाथ, हम तुम्हारा ऐड कर रहे हैं बिना प्रमोशन, बिना पैसे दिए। हम अच्छे बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि आपका जो अच्छी क्वालिटीज है तो उसको बताना चाहिए बिना कोई पेड प्रमोशंस के। हम बताते हैं ये अच्छा ऑयल है, ओनियन ऑयल। दीदी बताओ अच्छा ऑयल है ना? अच्छा। और इससे देखो सिल्की भी बाल हो गए, आप देख सकते हो कैसे बाल हो गए। अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हमारे चैनल राजगोपाल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये मालिश अच्छी लगी हो तो कृपया कांटेक्ट कर सकते हैं सर। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, देखो कितने अच्छे बाल हो गए हैं मालिश। मेरे कर्ली बाल हो गए, इनका फेस पहले जाने की भी जरूरत, इनका फेस पहले स्ट्रेसफुल था अब ये रिलैक्स फील कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट्स में बताइए अगर आपको भी मालिश करानी है तो। जय श्री राम।